गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन हमारे नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग काफ़ी स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम ट्रैवल करेंगे गाड़ी से। जनरली हम प्लेन या ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, आज पहली बार गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसी के साथ एक्स्ट्रा की भी टेस्ट ड्राइव हो जाएगी। तो भाई टैंक करा रहे हैं यार फुल, क्योंकि जाना है लंबे सफ़र पर भाई। और अभी देखते हैं कितने में टैंक फुल होता है एक्स्ट्रा का। तो हो गई टंकी फुल। टंकी फुल नहीं हुई यार, अभी कुछ खाली है, 4-5 लीटर। A few moments later. हमने अम्बाला पहुंच चुके हैं और अभी रुके हैं जूस के लिए यार, गर्मी काफी तेज है। तो ये हो गया भाई जूस तैयार। भाई ने किन्नू का जूस कर दिया जबरदस्त तैयार, ये ताजा। पता क्या बोला था? मैंने बोला था ये कह रही थी जैकेट ला रही है, मतलब पक्का ला रही है ना? कह रही हां पक्का, फिर ठीक है। मैं ये बोला हूं तेरे पक्का नहीं ला रही है। मैंने गाइस चलो क्या हो गया, 7 सीटर। अरे 7 सीटर लेके चलेंगे सारे। तो यहां से अभी रह गया यार शिमला करीबन 15-16 किलोमीटर। और ये आप देख सकते हैं, ये एरिया बताया सोलन एरिया है। तो रुके यार पानी के लिए। जैसे जैसे हम शिमला की तरफ बढ़ रहे हैं मौसम थोड़ा ठंडा होता जा रहा है। पीछे तो गर्मी थी, ट्रैफिक इतना मिला नहीं, ट्रैफिक था बस टोल पे थोड़ा ट्रैफिक है। और ये बस स्टॉप है, इसका नाम है शमलेज का कोई बस स्टॉप है। अभी शायद टॉय ट्रेन जाएगी यार यहाँ से, तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ टॉय ट्रेन का। पर कब भी आऊँगा टॉय ट्रेन में तो विंटर्स में ही आऊँगा यार। शिमला के माल रोड पहुंच चुके हैं, माल रोड नहीं पार्किंग पहुंच चुके हैं। अभी माल रोड तो काफ़ी दूर है यार, ऊपर दिख रहा है चर्च, वहाँ पे माल रोड है। पार्किंग फुल हो गई है, तो देखते हैं अभी करना क्या है। तो भाई हवा बहुत ठंडी चल रही है। साइंस हम कहाँ पर आ गए? शिमला आए हुए करीबन 2 घंटे हो गए, पर अभी तक यार होटल फाइनल नहीं हुआ कि कौन से होटल में रुकना है। और रोड पर गाड़ी खड़ी करने बिल्कुल नहीं देते यार पुलिस वाले। तो फाइनली होटल हो चुका है फाइनल, और 2 घंटे लगे होटल फाइनल करने में। तो आपको मैं रूम का टूर करा देता हूँ। रूम तो यार काफ़ी साफ सुथरा है, ये टीवी लगा हुआ है और ये क्या है मेन्यू है। साइंस कैसा है रूम यार? बस देखता हूँ बालकनी व्यू है या नहीं है, बस यार ये डिसएडवांटेज है कोई बालकनी व्यू है नहीं यहाँ पर। बट रूम साफ, काफ़ी साफ सुथरा है, क्योंकि 2 घंटे घूम रहे थे यार, 2 घंटे से रूम मिल नहीं रहे थे, पर फाइनली जो मिला है अच्छा रूम मिला है। देखो शावर, शावर भी है ऊपर ये। अरे हाँ शावर भी तो है, ये रहा। मैं सबके रूम की वीडियो बनाने आया हूँ कि इसका कैसा रूम है। सबका सेम है। ये क्या चाय बना रही हो? पानी भाई ये मीनाक्षी नहीं है, मनीषा है, कभी सोचो मैंने बदल ली। हमारे 4 रूम है, 106, 7, 8 और 9। ठीक है आप इधर फर्स्ट फ्लोर पे। ये मेरा बेटा, वो मेरी साली, वो मेरे साला और वो मेरी घरवाली। सुन बजा के भाग जियो। अच्छा बजा के भाग जियो, यहाँ एक बार बस A few moments later. जय माता दी, जय माता दी, आवाज नहीं आई। जय माता दी, फिर से बोलो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सबसे बड़े ब्लॉगर मैं अमूल दूध पीता है इंडिया। तो शिमला के यार माल रोड की तरफ जा रहे हैं, पर अभी मुझे माल रोड का पता नहीं कितनी दूर है, पर रोड काफ़ी साफ सुथरे हैं यार। 100 किलोमीटर तो रोड काफ़ी साफ सुथरे हैं यार। शिमला के माल रोड पे बैंक्स हैं, लाइन से सारे बैंक यार। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के बाद आपका मिलता है
मेरा फेवरेट है HDFC बैंक पर। ओह दिख गया, मुझे लगा HDFC बैंक है नहीं। तो माल रोड पे आपका पोस्ट ऑफिस मिलेगा आपको, भारतीय स्टेट बैंक, और LIC का ऑफिस है, HDFC ऑफिस है, ICICI बैंक भी है। सो सारे बैंक्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। और अब माल रोड के बिल्कुल हम सेंटर पे आ गए हैं और यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा भीड़ है यार। जैन और फेब के टाइम तो भाई इतनी स्नोफॉल होती है यहाँ पर, काफ़ी स्नोफॉल होती है, तो उस टाइम तो और अच्छा नज़ारा है। बट अभी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है वैष्णो देवी में भवन पे आ गया। जैसे भवन पे ऊपर ठंडी ठंडी हवा लगती है ना वैष्णो देवी में, सेम टू सेम वैसे लग रहा है भाई ऊपर यहाँ पर। तो थोड़ी थोड़ी यार दार्जिलिंग वाली याद आ गई है। दार्जिलिंग में भी सेम ऐसा माल रोड है, मैंने बताया था यार, मैं हिल स्टेशन गया एक मनाली कह रहा हूँ यार, मनाली नहीं मसूरी, और आपका नैनीताल, और सबसे पहले मैं गया था दार्जिलिंग हनीमून पे गया था। तो दार्जिलिंग का जो है माल रोड वो बिल्कुल सेम ऐसा ही, तो बिल्कुल ऐसी याद आ रही मुझे। हाँ बेटू, हाँ ऐसे ही लग रहा था वैष्णो देवी, हाँ वैष्णो देवी लग रहा है। ओए साइंस और मैगी पास बैठे हैं, हमें कैसा सस्ता है। फाइनली साइंस को मिल गई आइसक्रीम और इनको मिल चुके हैं मोमोज खाने के लिए। मैगी बोल दी, मैगी नहीं है इस पे, आधी से ज्यादा चीजें खत्म है तंदूरी। ये क्या चीज है? राइस वाला वो है तंदूरी पनीर नट्स वगैरह। बैठ चुके हैं बेताल फिर से विक्रम के ऊपर। आपने हर वीडियोस में देखा होगा कि बेताल बैठ जाते हैं सवाल पूछने के लिए विक्रम के ऊपर। तो अब जा रहे हैं कुछ खाने, और जैसे ही खाना होगा फिनिश, क्योंकि यार सुबह से कुछ नहीं खाया, खाना खाने के बाद जाएंगे रूम और करेंगे रेस्ट, और फिर यार कल देखते हैं कहाँ पे जाएंगे। तो फिलहाल तो अभी जा रहे हैं खाना खाने, उसके बाद जाते हैं वापस। वापस आ चुके अपने रूम पे माल रोड घूम के। साइंस कैसे लगा आपको माल रोड? अच्छा। शिमला गया यार, सच में माल रोड काफी अच्छा है। मैं दो तीन हिल स्टेशन और गया हूँ, पर उसके कंपैरिजन में शिमला का माल रोड अच्छा है। ये जस्ट यार किसी याद दिलाता है दार्जिलिंग के माल रोड की तरह। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को करते यहीं पे खत्म। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गुड नाइट।